अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एक नए ब्लॉग में। यूँ तो दोस्तों छुट्टियों के दिन ख़त्म हो चुके हैं और वर्किंग डे शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ईद हॉलीडे, और अभी हम निकलते हैं अपनी लैंग्वेज क्लास के लिए। लैंग्वेज क्लास लेना भी ज़रूरी है, तो सुबह सुबह बज रहे हैं कोई 9, और अभी चलते हैं फिर। हाँ तो भाई, फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है और छुट्टियों के बाद पहली क्लास। ऐसा लग रहा था 2 घंटे की थी, वैसे तो ऐसा लग रहा जैसे कोई 4 या 5 घंटे की क्लास हो, गुजर ही नहीं रहा था टाइम। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, फिर कोई प्लान व्लान बनाते हैं कहीं चलने का। चलें। हाँ तो भाई, अभी हम आ गए हैं गिरी फुटबॉल ग्राउंड, आपको यहाँ का दीदार कराते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सेंट्रो लिखा हुआ है, और ये जो है हम गेट से भी अंदर एंटर हो रहे हैं। सामने थोड़ा बहुत बैठने की जगह है, और ये जो है लाइव मैच चल रहा है। जी तो दोस्तों, गुजरी फुटबॉल ग्राउंड के बाद अभी हम यहाँ जमजमा पार्क में आ चुके हैं, और इस तरीके से कुछ नज़र आता है एंट्री जो है। ये ट्रैक बना हुआ है, और वैसे तो मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, लेकिन ये अभी कुछ 1-1.5 साल में बहुत डेवलप हो गया ना, तो इसको बहुत बना दिया अच्छे तरीके से। इसमें स्पोर्ट्स की भी कोई कोई जगहें बनाई हैं, जैसे बैडमिंटन और क्रिकेट के नेट बनवाए हैं, नेट के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, अभी चलते हैं। यहाँ पे ये बच्चों के खेलने की जगह है, और आगे चलते हैं फिर आपको भी और भी दिखाते हैं। यहाँ पे कोर्ट बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड छोटा सा बनाया, नेट लगाए हुए हैं और नाइट लाइट्स भी इसमें लगी हुई है, रात से भी खेलते हैं। और चलते हैं अभी आगे भाई। इस तरीके से ये बैडमिंटन के कोर्ट बने हुए हैं, आप यहाँ पे आके मेम्बरशिप भी ले सकते हैं, और 1 घंटे का हिसाब भी होता है। वो कितना होता है वो नहीं पता है। देखें यहाँ मैचेस बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे वगैरह यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। ये 2.5 साल से बड़े होने चाहिए ये है। चलें फिर आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे फुटसॉल के लिए ग्राउंड बना हुआ है, बड़े लोगों के लिए फुटसॉल जैसे खेलते हैं छोटे से एरिया में। और ये क्रिकेट नेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पूछा था तो 1 घंटे का कोई 1500 रुपये था, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है वैसे तो। और फुटबॉल का मैंने, फुटसॉल का यहाँ पे मैंने नहीं पूछा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी और क्या क्या चीज़ें। ये इधर इधर की मेंबरशिप वगैरह होती है ना सारी, और यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। कैंटीन भी छोटी थी, और ये नेट के साइड पे यहाँ पे जिम की एंट्री है। जिम अभी बंद है फिलहाल, तो अंदर से जिम बहुत बड़ा है। तो भाई कुछ इस तरीके से जिम नज़र आता है, बहुत खुला जिम है, ओपन में है, और एक्सरसाइज की बहुत सी मशीनें भी मौजूद हैं। इसका भी 1 घंटे का भी सिस्टम होता है, और मेंबरशिप भी है महीने वाली या साल वाली। और अभी हम आगे चलते हैं, जो जो अच्छी अच्छी जगह होंगी वो कैमरे में कवर करेंगे और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है यहाँ पर। जी तो दोस्तों, आज वैसे तो हमारा इरादा था कहीं स्विमिंग पूल में जाने का, स्विमिंग करने का, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि मंडे को मोस्टली स्विमिंग पूल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो हम लोग कल इंशाल्लाह जाएंगे, और जौन से स्विमिंग पूल में जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, देखें ये कैक्टस टाइप पौधे वगैरह मौजूद हैं। उन्होंने स्पेशली एक एरिया में ये लगाए हुए हैं एलोवेरा, और ये है कुछ इस तरीके से। अभी आगे चलते हैं बच्चों वाले एरिया में, जहाँ पे झूले वूले भी मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये सामने वॉशरूम वगैरह है ये, और कैंटीन भी इसके साथ है, तो चलें वहाँ चलते हैं।
जी। तो दोस्तों अभी ये बच्चों के खेलने के एरिया वगैरह में हम आ चुके हैं। यहाँ पे 40 रुपये एक बच्चे का है मोस्टली हर झूले का। और ये इधर भी है, ये आप ये भी ले सकते हैं 1 घंटे के हिसाब से। चलें आगे चलते हैं कैंटीन एरिया में, इसको भी देखते हैं। ये कुछ कैफेटेरिया वाला एरिया है और ये यहाँ पे आप ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टॉल है और यहाँ शर्मा स्टॉल और यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल भी है ना। तो यही बस छोटा सा एरिया है यहाँ पे कैफेटेरिया का। यहाँ पे ये वॉक करने की जॉगिंग करने की भी जगह है और पूरा एक राउंड जो है 1 किलोमीटर का है तकरीबन। बहुत अच्छी जगह है और खुली भी है। और आगे जो जो खूबसूरती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं चलकर। देखें दोस्तों कुछ इस खूबसूरत तरीके से इसको पौधों को वेल शेप्ड में काटा हुआ है। और अभी हम चलते हैं ऊपर वाले एरिया में, एक ऊंचाई पे भी थोड़ी सी गार्डन टाइप बना है। मेरे ख्याल से अभी बंद है लेकिन आपको बाहर बाहर से दिखा दें। ये इस तरीके से है कुछ, ये हाइट वाले एरिया मौजूद है। यहाँ पे फिल्मों वगैरह की शूटिंग भी होती है। यहाँ से ये नज़ारा आता है पार्क का। जी तो दोस्तों यहाँ पे मस्जिद मौजूद है, यहाँ पे मस्जिद है, पानी पीने वाला एरिया भी है और साथ ही वॉशरूम है जेंट्स का आगे लेडीज़ का पीछे। और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। और 50 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है एडल्ट की और बच्चों के लिए 20 रुपीज़ है एंट्री फ़ीस ना। और अंदर के एक्सपेंसिव अलग हैं जो आप राइड वगैरह लें या आप कैफेटेरिया में जाएँ। अभी चलते हैं घर की तरफ फिर देखते हैं। जी तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं, एक गेट है और मेन गेट इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट पार्क के दूसरी साइड पे। इनकी अपनी पार्किंग भी है और 100 रुपये में ख्याल से 1 घंटे की पार्किंग फीस है गाड़ी की। ऐसे कुछ वहाँ के वॉकिंग ट्रैक हैं। अभी हम तो निकलते हैं घर की तरफ फिर देखते हैं आगे क्या बात बनती है। हाँ तो भाई उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लोग यहीं बैन करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह कल।